हूं राजन कुमार और आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर 5 के एमसीक्यूज, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है। चैप्टर का नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 डैश सिंपली मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बोन्स मसल्स एंड द एबिलिटी टू मूव अराउंड। यानी कि डैश यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है मोटर डेवलपमेंट। यानी कि बोल रहे हैं कि मोटर डेवलपमेंट का सिंपली मीन्स है कि डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बोन्स, यानी कि चाइल्ड बच्चे की जो बोन्स है, चाइल्ड की जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, और उस चाइल्ड की एबिलिटी, ठीक है, जिससे वो मूव हो सके अराउंड, आसपास मूव हो सके, ठीक है, अपने आसपास मूव हो सके, कर सके मूवमेंट, तो वो होता है मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं डैश सिंपली मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स ऑफ लेग्स एंड आर्म्स। यानी कि यहाँ पे जो आंसर है वो है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। यानी कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का मतलब है कि ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें लार्ज मसल्स जो होती हैं लेग्स की और आर्म्स की, उनका डेवलपमेंट होता है, उसको हम कहते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं डैश डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद स्मॉल मसल्स। यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो स्मॉल मसल्स से एसोसिएटेड है, ठीक है, तो वो है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारा आंसर है। फाइन मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट जो ग्रिप से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे ग्रिप हो गया, कैचिंग, थ्रोइंग, ठीक है, इस तरीके का जो एक तरीके जो मतलब इन चीज़ों में जो मसल्स इस्तेमाल होती हैं, इन एक्टिविटीज़ में जो मसल्स इस्तेमाल होती हैं, उनके डेवलपमेंट जो है वो एसोसिएट है, ठीक है, एसोसिएटेड विद स्मॉल मसल्स, तो इसको हम कहते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं पीरियड स्टार्ट्स आफ्टर मिडिल चाइल्डहुड एंड कंटिन्यूज टिल पॉवर्टी और सेक्सुअल मैच्योरेशन। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि पीरियड जो स्टार्ट होता है मिडिल चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है और जो कंटिन्यू रहता है पॉवर्टी तक, ऐसे पीरियड को हम क्या कहते हैं, तो ये जो पीरियड होता है वो होता है लेट चाइल्डहुड पीरियड। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू डैश फिजिकल इनएक्टिविटी इज द ग्रेटेस्ट हेल्थ रिस्क इन ओल्ड एज। यानी कि अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे बोल रहे हैं WHO का अकॉर्डिंग क्या है कि फिजिकल इनएक्टिविटी जो होती है, यानी कि फिजिकली इनएक्टिव रहना, ठीक है, वो एक तरीके का ग्रेटेस्ट हेल्थ रिस्क होता है ओल्ड एज में, अगर ओल्ड एज में फिजिकल इनएक्टिविटी है तो। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं डैश समर ओलंपिक्स हेल्ड इन हेलसिंकी फिनलैंड। फिनलैंड में जो समर ओलंपिक्स हुए, ठीक है, जिनमें 60 मेन और 4 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, तो वो कब हुए थे, ये हुए थे 1952 में। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं डैश वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन पार्टिसिपेंट इन 1952 ओलंपिक्स। तो सबसे पहले, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पहली जो महिला, भारतीय महिला जो, सॉरी, भारतीय महिला, ठीक है, पहली भारतीय महिला पार्टिसिपेंट जो थी वो 1952 के ओलंपिक्स में, ठीक है, जिन्होंने पार्ट लिया था, उनका नाम मैरी डिसोजा। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं सिडनी ओलंपिक्स जो हुए थे सन 2000 में, ठीक है, जो दैट सेलिब्रेटेड द 100 ईयर्स ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन। यानी कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन का हम कह सकते हैं 100 साल कंप्लीट हुए, ठीक है, इन द ओलंपिक गेम्स। ठीक, 100 पार्टिसिपेशन बाय ओवर 4000 वुमेन। अब लगभग 4000 से ज़्यादा वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, टोटल 10000 से ज़्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया जिनमें 4000 से ज़्यादा वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और ये हुए कब थे, ये सन 2000 में हुए थे, सिडनी ओलंपिक्स इन द ईयर 2000। ओके, सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग इसको सही से पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं, इंडियन वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डैश ईयर। कौन से ईयर में पार्टिसिपेट किया इंडियन वुमेन ने फर्स्ट टाइम, तो भाई वो किया 1952 में, तो आंसर जो है 1952 है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं डैश इज अ बोन रिलेटेड डिसऑर्डर। ऐसा डिसऑर्डर जो बोन से रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है भाई, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, तो यहाँ पे ये हमने आंसर सही लगा दिया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, 10 हमारा हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे हैं डैश इज अ साइकोफिजिकल कंडीशन। यानी कि एक ऐसी साइकोफिजिकल कंडीशन, कैसी, उसका नाम बताना है हमें, तो इसमें बोल रहे हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा एक क्या है, साइकोफिजिकल कंडीशन। ठीक है,
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे हैं डैश इज एन ईटिंग डिसऑर्डर, एक तरीके का ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर जो अफेक्ट करता है एडोलेसेंट गर्ल्स को और यंग वुमेन को। ठीक है, तो उस डिसऑर्डर का नाम है बुलीमिया। ठीक है, क्या है? बुलीमिया नर्वोसा। ठीक है, नंबर 13 में बोल रहे हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट आर देयर, यानी कि कितने टाइप्स के मोटर डेवलपमेंट हैं। तो भाई दो तरीके के मोटर डेवलपमेंट है, ये कौन से दो तरीके के मोटर डेवलपमेंट आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।